हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं कॉमर्स शिक्षण वालों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। जैसा चल रहे कॉस्ट अकाउंटिंग सीरीज सर, हैशटैग नंबर 26 एंड लास्ट सम मटेरियल वेरियंसेस का, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये कोई लेवल अब बचा हुआ है। हमने नॉर्मल कॉस्ट नॉर्मल लॉस वाला केस भी देख लिया कंप्लीट, तीसरा एग्जांपल आपको करा के दे रहा हूं, क्योंकि एक बच्चे ने डाउट पूछा था सर ये टाइप एग्जाम में उनके आया था, बट एक छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है ऑलरेडी आपको बताऊंगा और कैसे इस टाइप्स के सम को कर सकते हैं। आई होप ऑलरेडी दो सम्स में भी बच्चे ने कर लिया होगा, खुद से प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा, बट मेरा डर कि एक और एग्जाम्पल्स करा दूं ताकि किसी भी बच्चे को थोड़ा सा और डाउट कंफ्यूजन अभी भी क्रिएट हो रहा है तो यहां पे वो क्लियर कर ले। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए टॉपिक बात करेंगे मटेरियल वेरिएंसेस का, ध्यान से सुन लो आप लोग, लास्ट एग्जांपल है। हाँ, लेबर वेरिएंसेस के मटेरियल वेरिएंसेस पहले बता दूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा सजेशन है मटेरियल वेरिएंसेस है, मटेरियल वेरिएंसेस सबसे पहले। इसीलिए हर एक बच्चा जितने भी लेक्चर्स आपके हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबर वेरिएंसेस भी ऑलमोस्ट हो चुके हैं, बट मैं कुछ एग्जाम्पल्स और ऐड करूंगा, बट ये नहीं है कि इसके जस्ट बाद ही ऐड करूंगा, क्योंकि इसके बाद मेरा प्लानिंग चल रहा है सर सेल्स वेरिएंसेस के 3-4 एग्जांपल्स आपको कराऊं। 3-4 एग्जांपल्स इनफ है, उसमें कोई बच्चा टेंशन नहीं लेगा, क्योंकि अगर मटेरियल वेरिएंसेस किसी बच्चे का क्लियर है तो सेल्स वेरिएंसेस वो कर सकता है। आप देखोगे एक से दो लेक्चर्स में आप खुद सोचने लगोगे सर ये कॉन्सेप्ट हम लोग कर सकते हैं, उसी का जस्ट 80-90% कॉपी पेस्ट हमारा चल रहा है, मटेरियल का कॉपी पेस्ट चलेगा, बाकी सेम टू सेम चलने वाले। क्लियर? बट फिर भी 4-5 एग्जांपल्स कराऊंगा ताकि कोई भी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन ना हो, इसलिए 5 लेक्चर्स मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड कराने वाला हूं। बट ध्यान रखना वीडियो में थोड़ा सा हैशटैग में गैप दिखेगा, 26 के बाद मैं 30 या 31 ऐड करूंगा, क्योंकि 3-4 एग्जांपल्स जो मैंने सोचे हैं लेबर वेरिएंसेस के, भाई आप लोगों के लेबल का आ सकता है क्वेश्चन, तो वो मैंने ऐड किया है, तो वो ऐड करूंगा अभी नहीं बट बाद में ऐड करूंगा। तो ये इसलिए पहले ही मेंशन किया कि कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में ऐड करे उससे बेस्ट पहले आपको गाइडेंस दे दूं। क्लियर है? सीधा टॉपिक पे आते हैं। इस बच्चे किसी स्टूडेंट ने शेयर किया था क्वेश्चन, सर ये क्वेश्चन कराइए, हम लोग के एग्जाम में पूछा गया सर, 2016 का पेपर है, कोई दिक्कत नहीं, इजी है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन क्या देखा है सर? मटेरियल एल एन एस दिया है, तो पहले तो आप मटेरियल यहां पे लिख लो, मैंने पहले से लिखा है एल एस। क्लियर है सर? क्लियर है। अब इसके बाहर मैंने बताया लॉस वाला केस कोई नहीं बनने का, क्या चीज है डिटेल्स थोड़ा सा पढ़ता हूं मैं। मटेरियल एल आपको दिया 60% एट द रेट ऑफ 30 kg, अब रेट हो दिया आपका, ध्यान रखना वो आपका प्राइस है आपका ये 30, बट परसेंटेज है सर 60%, किसका 60% अभी कुछ मेंशन नहीं है। चलिए आगे का डिटेल अगर मैं पढ़ता हूं, मटेरियल एस 40% दिया, रेट आपका 15 per kg, फिर रेट आप लिख दो 40 दिया है, बट किसका अभी तक कुछ मेंशन नहीं, आगे पढ़ते डिटेल। नॉर्मल लॉस क्लियर मेंशन है, इन प्रोडक्शन इज 20%, क्लियर मेंशन किया गया भाई 20% का है, कोई दिक्कत नहीं, समझेंगे आगे। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल एल द स्टैंड मिक्स वॉज चेंज एंड एक्चुअल रिजल्ट नीचे दे के रखा, मटेरियल एल आपको दिया 210 kg, कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअल में आपका 210 दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा सर। रेट आपसे पूछू तो रेट आपका नहीं 30 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड आपका बात करूं मटेरियल लेस आपका 190 kg, 13 दिया है, 190 आपका एंड 13 ही आपका दिया है, कोई दिक्कत। चलिए मल्टीप्लाई करके पहले अमाउंट में निकाल लूं, मल्टीप्लाई करके नहीं अमाउंट, आगे के डिटेल बाद में पढ़ते, पहले मल्टीप्लाई करके अमाउंट में फाइंड आउट कर रहा हूं। मल्टीप्लाई करूंगा सर 210 मल्टीप्लाई 30 6300। क्लियर है? 190 मल्टीप्लाई 13 जो मैं करूंगा 190 मल्टीप्लाई 13 सर 2470। क्लियर? किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे की डिटेल भी थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्या बोला है। इनपुट देके रखा है सर 400 kg, अब ये इनपुट कहां आएगा ये बताने की जरूरत उन बच्चों को है जो डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं, अदरवाइज सब बच्चों को पता है सर यही टोटल इनपुट है और इसके बाद हमारा सर नॉर्मल लॉस आता है। क्या आएगा सर? नॉर्मल लॉस आता है, उसके बाद हमको मिलता है सर टोटल आउटपुट। क्या मिलता है? टोटल आउटपुट। क्लियर है? नॉर्मल लॉस क्लियर, इसका मेंशन था 20%, किसका सर? इसका, सॉरी यहां पे नहीं लिखना था मुझे, जगह
की दिक्कत हो जाएगी। आप यहां मेंशन करो नॉर्मल लॉस, क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। चलिए नॉर्मल लॉस, अब इसका मैं टोटल पहले कर लेता हूं, इसका मैं टोटल करता हूं सर, आया हमारा 400 आया, क्लियर है। जब आगे का इनपुट देखो 400 केजी, क्लियर मेंशन है सर 400 केजी, क्लियर। ये भी इनपुट, इसका मतलब ये भी इनपुट आपका 400 केजी ही होगा, क्लियर है? ध्यान से सुन लो, 400 केजी ही होगा। अब आगे थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो परसेंटेज आपको दिए थे ना 60% एंड 40%, अब यहां पे आपके काम होने वाले हैं। इनपुट का 400 का सर 60% कैलसी पे ले लो, 400 का 60% आप कैलसी पे लो सर 240, 400 का 40% लिया सर 160, टोटल देखो इनपुट आ गया 400, टोटल ये भी इनपुट आ गया 400, क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब नॉर्मल लॉस जो आपका 20% दिया था ना, अब ये काउंट कर लो 400 पे 20% कर लो तो आएगा 80, इसका मतलब आपका सर आउटपुट की बात अगर मैं करूं स्टैंडर्ड में तो 320 आ रहा है। ये चीज क्लियर हो गया? फिर से सुनो समझो क्या बोला जा रहा है सर, टोटल इनपुट 400 कहां से मिला, ये क्लियर क्वेश्चन में बोला था और हर एक बच्चे को अब तो फॉर्मेट याद हो जाना चाहिए। मटेरियल जो दिए रहेंगे उनका टोटल ही इनपुट आता है, नॉर्मल लॉस अगर दिया है तो माइनस होता है। नॉर्मल लॉस कब माइनस करने का, जब इस तरीके से परसेंटेज में ऐसा मेंशन किए तो कर दो, आउटपुट आ जाएगा। नॉर्मल लॉस क्लियर मेंशन है सर 20% है, किसका? इनपुट का 20 होता है और इनपुट का टोटल वहां पे निकलता है, तो हमारा 320 का टोटल फाइनल आंसर आता है, क्लियर है? चलिए आगे डिटेल, लॉस 70 केजी, यहां पे आपका 70 केजी का लॉस क्लियर मेंशन है, क्लियर है सर? और आउटपुट सर 230 केजी, यही प्रिंटिंग मिस्टेक था, ये आपका ना 330 आएगा, ये चेंज कर लेना, ये 330 है, 230 नहीं आएगा क्योंकि मिस्टेक्स वैसे ही आपको दिख रहा है सर, 400 में से 70 करेंगे तो 230 नहीं आता, 330 आता है, वो चीज वहां पे आप चेंज कर लेना, क्लियर है? बाकी का कॉन्सेप्ट हमारा सर इजी था, ये मल्टीप्लाई करके आप पहले इसका अमाउंट निकाल लो, कॉस्ट निकाल लो, 240 मल्टीप्लाई 30 अगर मैं करूंगा तो सर 7200 एंड 160 मल्टीप्लाई 15 मैं करता हूं सर 2400। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट ये टेबल प्रिपेयर कर लिया तो अब आगे की कहानी हमारी सर बहुत इजी हो जाएगी, हम लोग खुद से कर सकते हैं, इतना सिंपल कहानी इनकी बन जाती है। मेन नॉर्मल लॉस के सब में टॉपिक्स में ये टेबल प्रिपेयर करना होता है, टेबल अगर आपने कर लिया तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। एक छोटा सा जो डाउट बच्चों को क्रिएट होता है ना, ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के टाइम पे होता है, वो भी हमारा यूज कहा है सर इल्ड के केस में, मिक्स के केस में होता है, फॉर्मूला अब तक याद हो गया होगा एंड इसका वर्किंग के लिए आप बना लिया करो कभी भी। देखो यहां पे सिंपल सा, और ध्यान रखना ये इनपुट पे ही निकलता है भाई, ये चीज इनपुट दोनों का सेम है, इनपुट आपको देखो दोनों का सेम दिख रहा है, जब इनपुट ही सेम है, इनपुट ही जब सेम है सर, इसका मतलब हमारा ये सर 240 आएगा, ये 160 आएगा, कोई चेंज ही नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा, अभी भी कुछ बच्चों को नहीं समझा, इसीलिए मेरा सजेशन था भाई आप लोग हैशटैग लाइन से देखते हुए चलो, 26 में देखोगे तो कैसे चलेगा आपका। जब ये वर्किंग करते थे याद होगा अगर आपको, तो आप यही लिखते थे सर 400 में से स्टैंडर्ड के, ध्यान रखना हमेशा इनपुट का, 400 में से सर हमने यूज किया 240, तो इसके एक्चुअल से देखते थे सर, एक्चुअल भी तो 400 ही है भाई, तो देखना ही क्या, क्रॉस करोगे तो 400 कैंसिल हो जाएगा, 240 बचेगा भाई, हो गया मेरा। तो आप यही करोगे 400 सर 240 डिवाइड बाय 400, 400 से 400 कैंसिल, 240 ही तो आएगा, मटेरियल पहले का 60 सेकंड का सेम आएगा, क्लियर है क्या? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फॉर्मूला क्लियर आप लोगों को लिखा गया, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, मटेरियल आप लिख दो भाई एल एस कर लो, स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको क्या दिख रहा है सर 7200, सेकंड का सर 2400, माइनस करो माइनस करो, एक्चुअल कॉस्ट कितना दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है सर 6300, 2470, चलो माइनस कर लो, कैलसी उठा लो, कैलसी उठाओ माइनस करो, 7200 माइनस 6300, 900 का फेवरेबल आ रहा है, 70 का एडवर्स, 900 का सर फेवरेबल, 70 का सर एडवर्स, टोटल जब आप इसका करोगे तो सर 830 का फेवरेबल चलेगा, क्लियर है? क्लियर। प्राइस की जब बात करोगे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस मटेरियल एल एन एस, मटेरियल स्टैंडर्ड प्राइस कितना 30 15 30
15 माइनस माइनस एक्चुअल प्राइस क्या चल रहा है सर, 30 एंड 13 मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी क्या चल रहा है सर, एक्चुअल क्वांटिटी कहां पे दिख रहा है, 210 190 कैलसी उठाओ मल्टीप्लाई कर लो कितना सर, फर्स्ट आपका 0 380 फेवरेबल, ये तो 0 ही क्योंकि 30 में से 30 0, और ये आपका सर कितना आएगा 15 3 2 38 380 प्लस आ रहा है सर फेवरेबल आएगा, और टोटल आपका 380 का फेवरेबल। और क्वांटिटी की जब बात करोगे सर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एल एस स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपका कितना 240 160 240 माइनस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितना है सर, एक्चुअल क्वांटिटी 210 190 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस कितना था सर 30 15 मल्टीप्लाई कर लो, जब आप क्वांटिटी की बात करोगे 900 फेवरेबल 450 एडवर्स और कितना आपका 450 एडवर्स आ रहे हैं, जब आप इसका टोटल लोगे तो सर फेवरेबल 450 फेवरेबल चल रहा है आपका, क्लियर है। वेरिफिकेशन आप लोगों को करना है, आई होप हर एक बच्चा कर लेगा, ऐसे ही प्लस कर लो, आप लोग का तीनों फेवरेबल ही दिख रहे हैं, दोनों का प्लस करके आना चाहिए आपका सर, 4 + 3 = 8 830 हो जाएगा, क्लियर। आप टोटल करके यहाँ पे वेरिफिकेशन एग्जाम में करके दिखा देना। चलिए यील्ड की जब बात करेंगे सर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पहला मटेरियल आप लिख दो एल एस, यहाँ पे भी एल यस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर्मूले की जब मैं बात करता हूँ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपका मेंशन है यहाँ पे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है सर 240 160 माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपका यहाँ पे सेम आया तो ये तो वैसे ही जीरो हो गया सर। जब दोनों सेम कॉन्सेप्ट है तो जीरो ही आने वाला है ना हमारा, 240 ये भी दिख रहा है, 240 रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी दिख रहा है, स्टैंडर्ड प्राइस कितना था सर, स्टैंडर्ड 30 15 था, तो ये तो जीरो ही आएगा, जीरो आएगा, दोनों जीरो आएगा, और टोटल भी हमारा सर कितना हो जाएगा, जीरो आएगा, क्लियर है, जीरो आने वाला है। आई होप हर एक बच्चे को समझ होगा क्यों जीरो, क्योंकि सेम ही है। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप कर दो कितना सर 240 160 माइनस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी सर 210 190 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस कितना, स्टैंडर्ड प्राइस सर 30 15 क्लियर है, क्लियर सर। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई टोटल मल्टीप्लाई आप करो 900 450 900 का आपका ये आ रहा है फेवरेबल, 450 का सर आ रहा है एडवर्स, ये आपका फेवरेबल, तो टोटल सर आया हमारा 450 का फेवरेबल। वेरिफिकेशन कर लो, दोनों का प्लस इक्वल टू आना चाहिए, यहाँ पे मैंने लिखा है दोनों का वेरिफिकेशन, क्वांटिटी इक्वल टू यील्ड प्लस मिक्स, और इसी को ये दोनों को ही बोला जाता है सर हमारा सब वेरियंसेस। क्यों सर, क्योंकि ये दोनों किसके पार्ट है सर, क्वांटिटी मतलब यूसेस वेरियंस के पार्ट हमारे होते हैं, क्लियर है। आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, फिर भी किसी बच्चे को अभी भी डाउट कंफ्यूजन है सर, नॉर्मल लॉस के केस को लेके कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कॉमेंट ऐड करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक शेयर करते रहो। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे सेल्स वेरियंसेस, क्लियर है, या फिर मैं इसके बाद जस्ट कंटिन्यू सेल्स वेरिएंसेस ही करता हूं ताकि हर किसी बच्चों को हैशटैग में कोई दिक्कत ना हो। तो हैशटैग 27 से सेल्स वेरिएंसेस लेता हूं, लेबर वेरिएंसेस के जो रिमेनिंग सम से जब टाइम मिलेगा तो वहां पे ऐड कर देंगे, क्लियर है। आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, फिर भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है कमेंट बॉक्स में ऐड करो, उसके ऊपर रिप्लाई, या फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही डिटेल्स थोड़ा सा मेंशन करेंगे, जैसा बच्चे का जो डाउट था वहां पे क्लियर हो गया होगा, क्लियर है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।